हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती का आज दूसरा दिन है। फिजिकल कैंडिडेट्स का शुरू हो चुका है। सुबह 6:30 बजे के स्लॉट, 8:30 और 10:30 तीन स्लॉट तय किए गए हैं। 6 मिनट में 1 किलोमीटर कैंडिडेट्स को भागना है और एक समय सीमा और जो दायरा तय किया गया है उसमें वो पूरा करना है। ये रेसिंग ट्रैक है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पैरों में RFID कैंडिडेट्स के बांधी गई है। RFID यानी कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक चिप है। जब कैंडिडेट भागना शुरू करता है तो सेंसर्स की मदद से चिप एक्टिवेट होती है और एक एक माइक्रो सेकंड्स को भी कैंडिडेट की जो भागता है उस समय उसको रिकॉर्ड करता है, ताकि एक एक माइक्रो सेकंड से, क्योंकि एक एक माइक्रो सेकंड कीमती है, इसी लिहाज से ये RFID भी महत्वपूर्ण है। और सुबह सुबह का वक्त है, मौसम ठीक है फिलहाल। हालांकि 10:30 बजे के स्लॉट तक थोड़ी सी धूप होती है, लेकिन सुबह के स्लॉट में कैंडिडेट्स को काफ़ी आसानी हो रही है भागने में। ये देखिए आप तस्वीरें, पंचकुला सेक्टर 5 परेड ग्राउंड के बाहर ये ट्रैक बनाया गया है। यहाँ पर कमांडो का भी फिजिकल हुआ था और सब इंस्पेक्टर का भी शायद यहीं होगा, लेकिन फिलहाल कांस्टेबल का चल रहा है। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है, 500 एक तरफ और 500 मीटर दूसरी तरफ। एक तरफ से शुरू करके वहीं पर ख़त्म करना है, यानी कि आगे से यूटर्न लेकर वापस आना है। आप इन कैंडिडेट्स में फीमेल कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जोश देख सकते हैं। और ये एंडिंग पॉइंट भी यहीं पर बनाया गया है। ये मशीनें रेडियो फ्रिक्वेंसी की रखी हुई हैं।